इस वीडियो में हम लोग गति एवं वेग के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और जानेंगे विराम क्या है, यानी व्हाट इज रेस्ट। जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान नहीं बदलती है तो उस अवस्था को विराम अवस्था कहते हैं, जैसे मेज पर रखा पेन। गति मोशन, जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान बदलती है तो उसे गति में कहेंगे, जैसे चलती हुई गाड़ी। अब चाल क्या है, व्हाट इज स्पीड। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन दर को चाल कहते हैं, इसमें दिशा नहीं दी होती। जैसे गाड़ी 4 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर 420 बटा 4 बराबर 105 किलोमीटर प्रति घंटा। वेग, निश्चित दिशा में वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। जैसे गाड़ी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर दिशा में जा रही है, या एक सदिश राशि है। अब वेग के 3 प्रकार हैं। पहला है अचर वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे अचर वेग कहते हैं। दूसरा है चर वेग या परिवर्ती वेग, जिसकी इंग्लिश होती है वेरिएबल वेलोसिटी। जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरियां तय करती हैं तो उसे चर वेग कहते हैं। तीसरा है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। जब वेग परिवर्ती हो तो औसत वेग कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। सीडीएस पद्धति में वेग की इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, एमकेएस पद्धति में वेग की इकाई मीटर प्रति सेकेंड है। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर बढ़ते हुए क्रम में हो तो उसे त्वरण कहते हैं, इसे प्लस ए से सूचित करते हैं। मंदन, वेग में परिवर्तन की दर घटते हुए क्रम में हो तो उसे मंदन कहते हैं, इसे माइनस ए से सूचित करते हैं। इसकी इकाई सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा एमकेएस पद्धति में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम लोग गति के समीकरण के बारे में जानेंगे। गति के 3 समीकरण साधारणतया 3 समीकरण है, वी बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, जहां यू प्रारंभिक वेग, बी अंतिम वेग, ए त्वरण, एस दूरी और टी समय है। अब न्यूटन का गति नियम, तो न्यूटन का प्रथम गति नियम है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल इस पर प्रभाव न डाले। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, अर्थात प्रत्येक वस्तु स्थिर अवस्था या गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था को न बदल दिया जाए। न्यूटन का दूसरा गति नियम है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा इस परिवर्तन की दिशा लगाए गए बल के दिशा की ओर होती है। मान लिया कि m संगति की कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है, तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग होगा
मात्रा गुना प्रारंभिक वेग यानी एम यू, अंतिम संवेग होगा मात्रा गुना अंतिम वेग यानी एम भी। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर ये हो जाएगा एम बी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। अब एम कॉमन ले लेंगे तो भी माइनस यू बाई टी, और गति के नियम में जो गति के समीकरण है उससे भी बराबर यू प्लस ए टी बैठा देंगे बाई टी, यू यू कैंसिल हो गया तो हमको मिला एम ए टी बाई टी बराबर एम ए। तो संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए, न्यूटन का द्वितीय गति नियम है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल एफ के समानुपाती होंगे, यानी एफ समानुपाती एम ए, एफ बराबर के एम ए। इससे हमें बल के गणितीय सूत्र प्राप्त होता है, यानी बल बराबर मात्रा गुना त्वरण। बल की इकाई सीजीएस पद्धति में डाइन है, एफपीएस पद्धति में पौंडल है, और एमकेएस पद्धति में न्यूटन है। अब हम आपको बता रहे हैं एक न्यूटन बराबर होता है एक केजी गुना एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक टाइम बराबर होता है एक ग्राम गुना वन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सीजीएस पद्धति है, ये इस एमकेएस पद्धति है। इससे एक रिलेशन आता है वन न्यूटन बराबर 10^5 डाइन। इसको हम लोग इजी वे में प्रूफ भी कर सकते हैं, एक न्यूटन बराबर होता है एक केजी गुना वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक केजी में 1000 ग्राम होगा, तो यदि एक केजी में एक केजी बराबर 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो गया, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 10^5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको बोलेंगे 10^5 डाइन। तो इस तरह हमको वन न्यूटन बराबर 10^5 डाइन का व्यंजक प्राप्त होता है। और न्यूटन का तीसरा गति नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया समान तथा विपरीत होती है। जैसे गेंद को हम दीवार पर मारे तो वह उसी गति में वापस आती है।